कमल है, तुम मेरी बात सुनो। इनफ अप्पू, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। इस काले साए के चक्कर में मैंने अपनी वरदान को खो दिया और किसी को नहीं खोना मुझे। और तुम मासी को इन सब से दूर रखना, समझी तुम? ये काला साया, ये शैतानी ताकत सब बकवास है। मले तुम नहीं जानते। चढ़ा बाबू, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना मुझे। और आज के बाद तुम भी इन सब से दूर रहोगे, गॉट इट? किस हक से? किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे मले? ना ही मैं तुम्हारी गुलाम हूं और ना ही तुम्हारी पत्नी। मैं यहां तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से। गॉट इट मिस्टर मले हर्षवर्धन? मले हर्षवर्धन, पर तुम्हें ये रिश्ते, इन रिश्तों के मायने समझ नहीं आते क्योंकि तुम्हें सिर्फ चिल्लाना आता है। पर एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस चिल्लाने का, इस सो कॉल्ड गुस्से का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए मेरी दोस्त से किया हुआ वादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। गॉट इट? वरदान ने मुझे तुम्हें और इस घर को सेफ रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी और आज जब मुझे लग रहा है कि यहां कोई बुरी ताकत है तो मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। तुम्हें अभी ये सब कुछ बकवास लग रहा है मले, पर मैं जानती हूं कि सच क्या है। चिक्की की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये बात तुम भी जानते हो मले। उस बुरी शक्ति की वजह से मैंने वरदान को अपनी आंखों के सामने कस्तूरी तो बस एक जरिया थी मले, पर वरदान को मारा उसी काले साए ने। कस्तूरी भले ही मर चुकी हो पर वो काला साया आज भी यही मंडरा रहा है। गॉट इट? स्टॉप इट अप्पू। नो, यू स्टॉप इट। मैं उस काले साए को ढूंढना बंद नहीं करूंगी मले, क्योंकि मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, पर मैं तुम पर कोई भी आंच नहीं आने दे सकती। वैसे भी उस काले साए को वरदान की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तुम मले मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम मले मुझे नहीं रोक सकते। Got it? मंदिरा, अब क्या चाहिए इसे? ये परिवार है कि बला, पीछे पड़ जाते। जी दीदी। क्या है ये? मेकअप बॉक्स? इसमें सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल तो है ना? हाँ, हम सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारी स्किन क्या हुआ? तुम सच में मंदिरा ही हो ना? तुझे ये बॉक्स याद नहीं है? ओह हो, एक और पुरानी प्यार भरी बेकार याद। अरे ये वही बॉक्स है जिसे तुम बचपन में इतना संभाल के रखती थी, और जब हम पिछली बार मिले थे ना तो मुझसे ये टूट गया था और तुम कितनी अपसेट हो गई थी। तो बस मैंने इसके टूटे हुए टुकड़ों को जुड़वा कर इसे नया कर दिया, सिर्फ अपनी रानी साहिबा के लिए। हाँ हाँ, अब हमने पहचाना है इसे, आपने जोड़ दिया ना। थैंक यू सो मच दीदी, ये बॉक्स हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आई नो, देख बिल्कुल वैसा ही है ना। हाँ।
बुरे इंसानों को कमबख्त आईने से इतना प्यार क्यों होता है? जहां देखो आईना। तुम्हें क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं दी, हमें बहुत पसंद आया, बस इस बॉक्स को देखकर हम इमोशनल हो गए। ये सारा काम आपकी उस विश कन्या का है। अब समझ में आया तुम्हें यहां क्यों लेकर आए हम? उसका ध्यान भटकाने के लिए। दिमाग खराब कर दिया उसने हमारा। ये क्या फेंका इसने डस्टबिन में? कहीं वो बीच तो? अप्पू, कुछ चाहिए था? नहीं, वो मैं लैला के लिए कुछ सामान लाई थी, टॉल्स और कुछ। ओ थैंक यू सो मच अप्पू, ये मैं रख देती हूँ। ऑफ कोर्स। I'm sorry. Appu, और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। Of course, तुम्हें ही तो बताएंगे। बिचारी को नींद भी आ रही है, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, तो अगर कुछ भी चाहिए होगा हम आपको बोल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। लैला, तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए ना? वो मैं खो गई थी, इतना बड़ा घर है ना, मेरे बीकानेर के घर में भी ना ऐसे ही होता था। दीदी को बोलो तो सही, हमारी फैमिली उदयपुर से है ना? बीकानेर? पर मंदिरा मासी तो कह रही थी कि तुम उदयपुर से हो, फिर बीकानेर। इस यक्षिणी का मैं क्या करूं? हाँ वही उदयपुर। अप्पू, अब तुम इसके पीछे पड़ गई? कल रात को तुम मेरी क्लास ले रही थी। नहीं। हाँ बाबा, ये उदयपुर से ही है, लेकिन ओरिजिनली बीकानेर से। देखो अप्पू, अभी हमारी गेस्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस घर की होने वाली बहू। मला, अगर मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं कि यहाँ पर कुछ ना ही, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही कोई प्रूफ देखना। सो बैक ऑफ। हमारी समस्या मलय की नफरत नहीं, अप्पू का प्यार। अप्पू का, अप्पू मलय को अपने पास कभी नहीं आने देगी, क्योंकि विश कन्या के साथ सोना, चिता पर सोना, चिता पर सोना।